नमस्ते, मेरा नाम है चारू सिंह और लाइव लॉ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेम सेक्स मैरिज पे हुई सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की, यानी एक ही सेक्स के लोगों के बीच में शादी को कानूनी मान्यता देने पर चल रही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बारे में। तो इंडिया में सेम सेक्स मैरिजेस को रिकॉग्निशन यानी मान्यता देने के लिए जो याचिकाएं हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को खुद को ट्रांसफर किया। तो मुद्दा आज भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच के समक्ष आया। बेंच ने ये लिबर्टी दी याचिकाकर्ताओं को कि वो वर्चुअल मोड में यानी ऑनलाइन ही अपनी बात बेंच के आगे रख पाए अगर वो एक वकील को हायर करने में या दिल्ली तक सफर करने में विफल रहते हैं, अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो। और अब याचिकाओं के लिए 13 मार्च 2023 की डेट दी गई है। तो देखिए, ऐसे कई मामले देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स के आगे लंबित यानी पेंडिंग हैं, तो कोई उलझन ना हो या अलग अलग फैसले आने से परेशानी ना हो, इसलिए संविधान के आर्टिकल 139A के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट एक जैसे मामलों को खुद को ट्रांसफर कर सकता है। तो वकीलों ने बताया कि इस मुद्दे पर अलग अलग हाई कोर्ट में याचिकाएं पेंडिंग हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के पास ट्रांसफर करा जाना है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने ऑर्डर डिक्टेट करते हुए कहा कि जो कि अलग अलग हाई कोर्ट्स के आगे इस मुद्दे पर ही याचिकाएं पेंडिंग हैं, तो हम डायरेक्ट करते हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए और कोई गलती ना हो जाए, इसलिए जो लोग दिल्ली नहीं आ सकते या फिर वकील हायर नहीं कर पाते वो वर्चुअली भी पेश हो सकते हैं। इसके लिए जो मांगेगा उसको लिंक दे दिया जाएगा और केंद्रीय यानी सेंट्रल एजेंसीज जो हैं उन्हें भी नोटिस दिए जाएंगे। 15 फरवरी 2023 तक काउंटर एफिडेविट फाइल होने हैं। आगे के लिए मार्च 13 की डेट को मुद्दा लिस्ट होगा। बेंच ने एडवोकेट अरुंधति कटजू को याचिकाकर्ताओं की तरफ से और एडवोकेट कनु अग्रवाल को यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से नोडल काउंसिल्स के रूप में अपॉइंट किया। तो नोडल काउंसिल का ये काम होता है कि एक तरफ से जब बहुत सारी पिटीशंस होती हैं तो एक तरफ से वो मामले में मदद करते हैं, कोऑर्डिनेशन का काम संभालते हैं। यहाँ वो प्रेसिडेंस, दस्तावेजों और इससे जुड़े कानूनों को कंपाइल करेंगे, यानी एक तरह से कंपाइलेशन का काम वो पूरा करेंगे। यहाँ जो याचिकाएं हैं उनमें से एक पीआईए है सुप्रियो चक्रवर्ती और अभय डंग की तरफ से। वो 10 साल से एक साथ रह रहे हैं, एक साथ रिलेशनशिप में हैं और दिसंबर 2021 में उन्होंने एक सेरेमनी भी करी और अब वो चाहते हैं कि उनकी शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत मान्यता दे दी जाए। एक पीआईएल पार्थ पिरोजे मेहरोत्रा और उदय राज की तरफ से है जो कि 17 साल से एक साथ हैं। वो बताते हैं कि वो दो बच्चों को भी एक साथ रेस कर रहे हैं, लेकिन जो कि उनकी शादी को मान्यता नहीं दी गई है, उनके और उनके बच्चों के बीच में पेरेंट और चाइल्ड का लीगल रिलेशनशिप स्थापित नहीं हो पा रहा है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ लाइव लॉ पे और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।